फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इमरान ऑटोटेक में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, क्लस्टर मीटर देखने से आप समझ गए होंगे ये हमारा OBD2 यानी जिससे लोग BS7 बोल रहे हैं, ये उसमें उस गाड़ी का वीडियो है। और इस गाड़ी के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा सेंसर कंपनी ने इसमें डिलीट कर दिया है या हटा दिया है जो पहले वाली गाड़ी में आता था। और दोस्तों मैंने ये पार्ट जो लाया हूँ, मैं सेकंड पार्ट लाया हूँ। इसका पहला वाला पार्ट मैं लेकर आया था कि गाड़ी में सेंसर, एक्चुएटर, ECU वर्किंग किस तरीके से करते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा दोस्तों पहले पार्ट को देख लीजिएगा। और इसके अंदर दोस्तों हम बताने वाले हैं कि कौन सा सेंसर कहां पर लोकेट रहता है, क्या लोकेशन है उसकी और वर्क किस तरीके से करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, पहला मेरा सेंसर की अगर मैं बात करता हूं तो मेरा पहला सेंसर है PT सेंसर, जो कि दोस्तों मेरा गैस रेल पर लगा रहता है। इसका काम होता है CNG या LPG गैसेस जो होती हैं उनके प्रेशर को नापना और उनके टेम्परेचर को नापना, और उसका सिग्नल हमें ECU को प्रोवाइड कराता है। अगर मैं दोस्तों उसके वायर की बात करता हूँ तो 4 वायर का मेरे को यहाँ पर कपलर देखने को मिलने वाला है। अगर ये कपलर दोस्तों कभी लूज हो जाएगा या ढीला हो जाएगा तो क्या होगा, गाड़ी में मिसिंग की, स्टार्टिंग ट्रबल की समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो कभी भी अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आप इस वाले कपलर को जरूर चेक करें, कहीं से कोई वायर टूटा तो नहीं है। नीचे की तरफ दोस्तों मेरा यहाँ LPR होता है, LPR से ये पाइप जाता है, गैस रेल पर लग जाता है, इस तरीके से ये वर्क करता है। सेकंड दोस्तों, अगर मैं सेंसर की बात करता हूँ तो ये ब्लैक कलर का आप जो देख रहे हैं नीचे जाके जो ब्लू में हो गया है सॉकेट, ये हमारा दोस्तों इंजन टेम्परेचर सेंसर होता है, जो कि हमारा सिलेंडर ब्लॉक पे पीछे की तरफ सरफेस पे लगा रहता है, जो कि वहां से डिटेक्ट करता है कि हमारा इंजन का जो टेम्परेचर है वो अभी कितना है, और उसका सिग्नल हमें ये सेंसर ECU को आगे भेजता है, जिसके माध्यम से ECU हमारा वर्किंग कराता है फ्यूल की सप्लाई को। अगर ठंडा होता है तो उस तरीके से गैस की सप्लाई कराएगा, और मालूम चलेगा कि हमारा इंजन का टेम्परेचर गर्म है तो उस तरीके से गैस की सप्लाई को गर्म कराएगा। उससे बोलते हैं इंजन टेम्परेचर सेंसर, जो कि हमारे इंजन के टेम्परेचर को बताता है। दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट सेंसर की बात करता हूँ आगे की तरफ, तो मेरा ये जो आप देख पा रहे हैं ये थ्रोटल बॉडी पे लगा है पीछे की तरफ, इसे बोला जाता है 3-in-1 सेंसर। इसका दोस्तों काम क्या रहता है, एक काम रहता है इसका थ्रोटल की पोजिशन को बताता है, सेकेंड काम इसका रहता है एयर के टेम्परेचर को बताता है, और थर्ड काम इसका रहता है एयर का प्रेशर को बताता है। अगर मैं इसके वायरों की बात करता हूँ तो मेरे को इसमें 5 वायर का कपलर देखने को मिलने वाला है। अगर कभी कोई वायर टूट जाएगा या कपलर लूज हो जाएगा तो गाड़ी में आपको RPM से रिलेटेड, पिकअप से रिलेटेड झटकों की शिकायत देखने को मिलेगी। तो कभी भी अगर ऐसी समस्या आए तो सबसे पहले आप इस वाले वायर को जरूर चेक करें, कोई वायर टूटा तो नहीं है। नेक्स्ट सेंसर की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, आगे की तरफ चलता हूँ, तो ये देखिए जो ग्रीन कलर का आप कपलर देख रहे हैं सिंगल वायर का, यहाँ पर मेरा न्यूट्रल स्विच लगा है, जो कि क्या काम करता है, ये हमारा आगे डैशबोर्ड मीटर में बताता है कि मेरी गाड़ी अभी न्यूट्रल में है या नहीं है। वहाँ N बना आ जाता है, जिससे हमें ये मालूम चलता है मेरी गाड़ी अभी न्यूट्रल है या नहीं है। ये भी एक सेंसर की तरह ही वर्क करता है। नेक्स्ट सेंसर की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर का कपलर देखिए भी देखने को मिलने वाला है, जो कि मेरा मैग्नेट के अंदर से आता है। ये देखिए इसमें 3 वायर देखने को आपको मिलने वाले हैं, जो लाइट ग्रीन है वो मेरा न्यूट्रल का वायर होता है, एक मेरा रेड पे व्हाइट है और एक मेरा ग्रीन पे व्हाइट है। ये 2 वायर हैं जो मेरे CKP सेंसर के होते हैं, जो कि मेरे मैग्नेट के अंदर नीचे की तरफ यहाँ लगा रहता है, जो कि ये बताता है कि मेरा पिस्टन अभी TDC पर आया है या नहीं आया है, ये जानकारी देता है वो ECU को, और उसके अकॉर्डिंग ECU मेरा फ्यूल की सप्लाई, स्पार्क की कंडीशन देता है कि कब वहां पर फ्यूल जनरेट करना है या स्पार्क देना है, जिससे मेरी गाड़ी स्टार्ट होती है। अगर मैं इस सेंसर की दोस्तों बात करता हूँ तो इसे बोला जाता है ऑक्सीजन सेंसर, लामदा सेंसर और O2 सेंसर, सब लोग अलग अलग नाम से इसे बोलते हैं। अगर मैं इसके दोस्तों वायरों की बात करता हूँ तो 4 वायर का मेरे को कपलर देखने को मिलने वाला है। काम इसका ये रहता है जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और एग्जॉस्ट के जरिए जो धुआं, जो गैसेस बाहर निकलती हैं, उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा को नापने का काम ये मेरा O2 सेंसर करता है। अगर दोस्तों मैं इस सेंसर की बात करता हूँ, ध्यान रखिएगा इसे सेंसर नहीं बोला जाता है, ये होता है एक्चुएटर, जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई पे काम करता है, और सेंसर मेरे 5 वोल्ट की सप्लाई पे काम करते हैं, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। ये दोस्तों मेरा CNG का है गैस इंजेक्टर, या ऑरेंज कलर का देख पा रहे हैं, अगर LPG का होता तो ब्लू कलर का होता। इसका सीधा सा सिंपल काम रहता है कि जो गैस का प्रेशर है उसे कंट्रोल करके आगे इंटेक में देता है, आगे की तरफ थ्रोटल बॉडी के जरिए, जिससे मेरी गाड़ी स्टार्ट होती है। इस वाले अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ तो ये भी मेरा एक एक्चुएटर है, जो मेरा थ्रोटल बॉडी पे ऊपर की तरफ लगा है, इसे बोला जाता है दोस्तों पेट्रोल इंजेक्टर। ध्यान रखिएगा ये भी सेंसर नहीं है। इसके बराबर में जो लगा है ये होता है मेरा ISEV, जिसे बोला जाता है स्टेपर मोटर, ये भी दोस्तों मेरा एक्चुएटर है, ये भी मेरा 12 वोल्ट की सप्लाई पे ही काम करता है। ये मेरे को स्टार्टिंग करने में गाड़ी को सिंगल स्टार्टिंग में गाड़ी देता है, जिससे कि फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है अच्छी तरीके से करता है, इसे बोलते हैं ISEV।
अगर दोस्तों मैं इसकी बात करता हूँ, जो मेरा स्पार्क प्लग का कैप है यहाँ लगा है, ये होती है मेरी इसके अंदर एसटी कॉइल। एसटी कॉइल भी दोस्तों एक एक्चुएटर होता है, ना कि सेंसर होता है, और ये हमेशा 12 वोल्ट की सप्लाई पे ही काम करता है। ईसीयू से सिग्नल आता है, डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। दो वायर का इसमें आपको कपलर देखने को मिलने वाला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ब्राउन कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है। ब्राउन वाले में 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। ये बॉक्स के अंदर जो आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर रहता है ईसीयू, इंजन कंट्रोल यूनिट। जैसे हमारी हमारा और आपका ब्रेन रहता है, दिमाग रहता है, उसी तरीके से ईसीयू काम करता है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, जो आप एचपीआर के पास देख रहे हैं ब्लैक कलर का, तो इसे बोला जाता है गैस सोलेनोइड। ये भी एक एक्चुएटर है, सेंसर नहीं है। ये भी मेरा 12 वोल्ट की सप्लाई पे काम करता है। इसमें भी दो वायर आते हैं, आप देख पा रहे होंगे ये। अगर मैं दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूँ, ये जो मेरा पेट्रोल का टैंक है, इसके नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ लगा है मेरा फ्यूल पंप। ये भी एक एक्चुएटर है, ये भी 12 वोल्ट की सप्लाई पर ही काम करता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और जो भी क्वेश्चन है आपके वो कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा मुझसे, मैं पूरा जरूर आंसर आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों, कंपनी ने इसमें कौन सा सेंसर डिलीट कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे आप हाथ में देख रहे हैं, इसे बोलते हैं रोल ओवर सेंसर, और ये अब आपको दोस्तों OBD2 गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगली यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, गुड बाय।